बाबर के साथ खड़े हुए, बाबर आजम के कट्टर फैन, सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऊपर हाल ही में एक आरोप लगा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक अकाउंट isha.rajput.1 के नाम से, इस अकाउंट पर कई सारी बाबर आजम की फोटोज, वीडियोज और वॉइस नोट्स पोस्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, कई सारी स्टोरीज भी बाबर आजम के खिलाफ पोस्ट की गई हैं, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एक साथ 5 से 6 लड़कियों को धोखे में रखा, उनके साथ चीट किया। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर जो ये अकाउंट है, इसकी एक स्टोरी में एक प्रूफ नाम की स्टोरी है, जिसके सबसे लास्ट में लिखा गया है #SupportJaveria। आपको बता दें कि अब बाबर आजम के फैंस इन सभी आरोपों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बाबर आजम के फैंस की माने तो ये वीडियो एक फेक वीडियो है और ये पूरी तरह से हनी ट्रैप हो सकता है, जो कि एक भारतीय लड़की कर रही है। जी हाँ, पड़ोसी मुल्क में बाबर आजम के फैंस ने भारतीय लड़कियों पर इसका आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये मामला हनी ट्रैप माना जा रहा है। जिन्हें भी नहीं पता कि हनी ट्रैप क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैकमेल करने की एक सोची समझी साजिश होती है, जिसे एक इंग्लिश शब्द हनी ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि बाबर आजम और पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। वहीं बाबर आजम के फैंस लगातार ट्विटर पर #WeSupportBabarAzam और #BabarAzam के नाम से मुहिम छेड़ चुके हैं। बाबर आजम के फैन की माने तो ये एक फेक वीडियो है, जिसे एडिट करना बड़ा आसान है। एक फैन ने तो खुद वीडियो एडिट करके अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी डाल दिया है। वहीं कई पाकिस्तानी फैंस भारतीय मीडिया पर भी निशाना साध रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पर ये मुद्दा सिर्फ बाबर आजम नहीं, बल्कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान का हो गया है। देखना दिलचस्प रहेगा अब इन सभी विवादों पर बाबर आजम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। लेकिन एक बात तय है कि अगर बाबर आजम के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से उनकी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि बाबर आजम के ग्रह इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं। उनकी कप्तानी में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बुरा हाल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी सेना कंट्रीज ने पाकिस्तान को उन्हीं की सरजमी पर आकर धोया है। ऐसे में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से कप्तानी तो वैसे ही छीनी जानी है, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत मिलता है, तो उनकी पाकिस्तान की टीम से छुट्टी भी हो सकती है। ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी पर इस तरह के आरोप लगे हो। इमामुल हक और शाहिन शाह अफरीदी इसके शिकार हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।